नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्रीजोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एग्रीजोन कैरियर इंस्टीट्यूट संग्रह के द्वारा चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के साथ साथ अब हम आपको बैंकिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो लेसन के साथ साथ हम आपको इसका PDF मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हम बैंकिंग इकोनॉमिक्स IBPS, PO, क्लर्क, स्केल फर्स्ट, मल्टीपर्पज, SSC, CGL, RBI, इन सब में आने वाली बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके भविष्य के लिए बहुत काम आएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये है सारी बैंकों पर कंट्रोल रखती है, उनका सुपरविजन करती है। अब बात करें हम RBI के प्रियम्बल की, तो ये RBI का प्रियम्बल है। RBI के प्रियम्बल का मुख्य उद्देश्य बैंक नोट्स को जारी करना है, टू इश्यू द बैंक नोट्स, यदि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो इससे बचने के लिए रिजर्व मनी रखना, टू कीप द रिजर्व मनी विद इटसेल्फ और अन्य कॉमर्शियल बैंक के साथ। इसका तीसरा मेन मकसद है इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एवं डिफ्लेशन के टाइम, यदि कोई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा घट रहा है, तो मनी स्टेबिलिटी लाना, चाहे वो रेपो रेट से लाए या मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इसको कंट्रोल करना, ये इसका मेन प्रीएम्बल है। आगे बात करते हैं हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की। तो एस्टेब्लिशमेंट में देखें तो इसका रिकमेंडेशन दिया था, वो था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन का दूसरा नाम होता है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये कभी कभी पूछा जा सकता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के अंडर हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंडर हुआ। जब ये बना था RBI, तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। 1937 में हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था, और ये फुली प्राइवेट बैंक थी जब बनी थी। नेशनलाइजेशन के बाद ये पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गई। नेशनलाइजेशन के बाद 100% इसके शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, इसका नेशनलाइजेशन हुआ। किस एक्ट के अंडर के अंतर्गत हुआ, इसका हुआ था RBI ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। मतलब ट्रांसफर टू पब्लिक, ये प्राइवेट से गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो गई थी। इसके 20 रीजनल ऑफिस हैं और 11 सब ऑफिस हैं। आगे बात करें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो प्रकार के इसमें मेंबर होते हैं। पहले होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स, दूसरे हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ये वाले ऑफिशियल डायरेक्टर्स में देखें तो हम एक RBI के गवर्नर खुद होते हैं, जो वर्तमान में डॉक्टर उर्जित आर पटेल हैं, और इसमें मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं RBI में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ये टोटल ये सारे मेंबर होते हैं, ये फुल टाइम मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। इसके बाद नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें 10 डायरेक्टर होते हैं, वेरियस फील्ड से होते हैं, उनको अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है। इसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस रिलेटेड ज्ञान हो, वो इस नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद 4 जो डायरेक्टर होते हैं उनको RBI के जो 4 लोकल बोर्ड्स हैं वहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। कहाँ कहाँ पर है लोकल बोर्ड? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और न्यू दिल्ली में। यहाँ से 4 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स का कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। और मीटिंग की बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो 6 टाइम ईच ईयर, मतलब एक साल में मिनिमम 6 बार इनको मीटिंग करनी ही पड़ती है, एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर। आगे बात करें इसके गवर्नर की, तो RBI में अब तक 24 गवर्नर्स रह चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है RBI के फर्स्ट गवर्नर, RBI के फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम, और करंट में जो RBI के गवर्नर है उनके नाम पूछे जा सकते हैं। बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी, तो RBI के फर्स्ट गवर्नर है सर ओसबोर्न ए स्मिथ। RBI के फर्स्ट गवर्नर है।
फर्स्ट इंडियन गवर्नर है सर सीडी देशमुख, और ये थर्ड गवर्नर थे, मतलब सर सीडी देशमुख से पहले दो फॉरेन गवर्नर रह चुके हैं, जो पर्सन थे वो फॉरेनर पर्सन थे, इसके बाद इंडियन पर्सन आए। 15वें गवर्नर की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, सिंह जी थे, जो दो बार देश के पीएम रह चुके हैं। और 21वें गवर्नर की बात करें तो डॉक्टर वाई वी रेड्डी, ये 14 प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और 2009 में ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये फर्स्ट इंडियन सेंट्रल बैंक गवर्नर थे जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके बाद बात करें 23rd गवर्नर की, तो 23rd गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन थे, वो 2016 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया, और ये फर्स्ट इंडियन सेंट्रल बैंक गवर्नर थे जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है 24th गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल, और उनका कार्यकाल 2016 से स्टार्ट है, अभी चल रहा है 2016 से 19 तक। तो ये बेसिक जानकारी है गवर्नर से रिलेटेड, एक या दो क्वेश्चन, एक मिनिमम एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बात करें डिप्टी गवर्नर्स की, तो डिप्टी गवर्नर्स में पहले गवर्नर थे डिप्टी गवर्नर सर जेम्स बी टाइलर और सर सिकंदर हयात खान। हम जानते हैं कि आरबीआई में एक गवर्नर और चार डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, तो 1/12/2017 तक ये तीन अपॉइंट कर किए जा चुके हैं, तीन गवर्नर, और एक गवर्नर अभी अपॉइंट करना बाकी है, ये नाम है तीनों गवर्नर्स के। बात करें गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स के कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल होता है 3 साल के लिए, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है, और इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। जबकि देखिए इसमें रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, और इनका कार्यकाल मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हम जानते हैं कि 3 साल के लिए तो परमानेंट होते हैं, और 2 साल इनको एक्सटेंशन मिल सकता है, तो कार्यकाल 62 साल की उम्र तक इनका कार्यकाल 5 साल तक हो सकता है। बात करें आरबीआई के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, तो पहला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, आरबीआई स्टाफ कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट IGIDR, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT, ये 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं आरबीआई के खुद के। आरबीआई की सब्सिडियरी की बात करें तो 3 सब्सिडियरी हैं, पहली है DICGC, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बनी थी 15 जुलाई 1978 को, इसका निर्माण हुआ था किस एक्ट के अंडर, DICGC एक्ट 1961। और ये जो इंश्योरेंस गारंटी देती है वो पर डिपॉजिटर पर बैंक 1,00,000 रुपए की डिपॉजिटर को इंश्योरेंस गारंटी देती है। इसकी दूसरी सब्सिडियरी है BRBNMPL, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसकी तीसरी सब्सिडियरी है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, जो अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग, जो ये घर निर्माण करते हैं और करते हैं, इनमें इनसे रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ये NHB देखती है, जो 1988 में NHB एक्ट 1987 के अंडर बनी थी। अब बात करते हैं हम आरबीआई के एक्ट की, तो इसका बेसिक एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसमें समय समय पर अमेंडमेंट करके वेरियस एक्ट बनाए गए। रिसेंट में जो अमेंडमेंट किया गया था वो 2016 में था, और वो था फाइनेंस एक्ट 2016, इसके बाद आया था। बाकी एक्ट देखें तो द रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, जिसके परिणाम स्वरूप इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, और देखें ये सब इसके एक्ट हैं। फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये इम्पोर्टेंट एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यहाँ से इसका डेट पूछा जाता है कि किस ईयर में आया था। सरफासी एक्ट 2002 में आया, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 में आया। आगे बात करते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, MPC की। तो जब इसका आरबीआई एक्ट
1934 का लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, जिसके परिणाम स्वरूप द फाइनेंस एक्ट 2016 आया था, जिसमें अमेंडमेंट से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण हुआ था और इसका काम है टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बॉडी है। इसमें पहले क्या होता था, जब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता था, फॉर्मुलेशन किया जाता था, तो आरबीआई के सारे मेंबर आरबीआई के होते थे, वही डिसीजन लेते थे कि कितनी बैंक रेट रखनी है, कितनी रेपो रेट रखनी है, कितनी रिवर्स रेपो रेट रखनी है। अब क्या होता है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाल दिए। टोटल मेंबर होते हैं 6 मेंबर, जिनमें से 3 होते हैं आरबीआई से और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसमें मेंबर्स में देखें तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3 फ्रॉम आरबीआई से, तो चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर खुद और इंचार्ज होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर में से कोई भी एक डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई से ऑफिसर होता है। ये ग्रेड बी ऑफिसर हो सकता है या फिर कोई अन्य ऑफिसर हो जाता है जो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और 3 मेंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स का कार्यकाल देखें तो 4 साल का होता है और इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स के बारे में बात करें तो एटलीस्ट 4 पर ईयर, एक साल में मिनिमम 4 बार इनको मीटिंग करनी पड़ती है। आगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मींस द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 जेडबी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, मतलब कहने का सेक्शन 45 जेडबी के सबसेक्शन 1 में और किसका, द फाइनेंस एक्ट 2016 के अंडर इसको रजिस्टर्ड किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है उनका, तो उनके लिए एक कमेटी होती है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, वो उनको नॉमिनेट करती है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं वो रखती है सेंट्रल अकाउंट सेक्शन नागपुर में। नागपुर में इनका एक डिपॉजिटरी टाइप स्टेशन है, वहाँ पे सेंट्रल अकाउंट सेक्शन बोलते हैं उसको, वहाँ पे ये सारे रिपोर्ट रखे जाते हैं। बात करें मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्यों की बात करें तो मॉनेटरी अथॉरिटी तो है ही है क्योंकि ये बैंक नोट जारी करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखकर ये बैंक नोट जारी करती है। बैंक नोट में 1 रुपए का नोट है वो करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और 1 रुपए से ज्यादा वाले नोट होते हैं जितने भी 5, 10, 20, 50, वो सारे नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के जिसमें आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर रहते हैं। दूसरा इसका काम है रेगुलेटरी एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया में जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सुपरवाइज करना, उसको रेगुलेट करना, किस टाइम क्या करना है सब आरबीआई देखती है। आगे मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन ट्रेड होते हैं या फिर बाहर से एफडीआई आती है या फिर कोई फंड आता है एनजीओ को आता है या किसी और को आता है, तो वो फेमा एक्ट के अंडर इसको देखा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन कंट्री के साथ जो भी एक्सचेंज होता है चाहे कुछ भी हो वो आरबीआई खुद इसको सुपरवाइज करती है, किस एक्ट के अंडर, फेमा एक्ट 1999। इसका अगला रोल है डेवलपमेंटल रोल, ये है बाकी बैंक जैसे नाबार्ड हो गया, कमर्शियल बैंक हो गए, आरआरबीज हो गए, कोई कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, उनको फंड अलोकेट करती है या उनके जो चलाए जा रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उनको सुपरवाइज भी ये आरबीआई ही करती है। इसके बाद इश्यूअर ऑफ करेंसी जो मैंने बता दिया है, आरबीआई को बैंकर्स टू बैंक भी कहा जाता है। ये जनरली क्वेश्चन आता है कि बैंकर्स टू बैंक और 4 ऑप्शन दिए होते हैं अलग अलग कोई भी बैंक के, उसमें आरबीआई भी रहता है, तो क्यों कहा जाता है बैंकर्स टू बैंक। अगर कमर्शियल बैंक हो गए, कोई कोऑपरेटिव हो गया या फिर कोई अन्य बैंक जिसके पास मनी की शॉर्टेज आ जाए तो वो आरबीआई से मनी बोरो कर सकती है, ये किसी भी जैसे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 1 नाइट के लिए मनी बोरो कर सकती है। आगे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, अब कोई गवर्नमेंट कर्जे में चल रही है तो वो पहले
अपने देश की सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी, फिर भी अगर वो घाटे में जा रही है तो बाहर से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो मनी बोरो कर सकती है। तो ये इसके सारे कार्य थे। अब बात करते हैं अलग अलग कंट्रीज में सेंट्रल बैंक को किस किस नाम से जाना जाता। इंडिया में सेंट्रल बैंक को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, USA में जाना जाता है इसको फेडरल रिजर्व बैंक, और चाइना में जाना जाता है इसको पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। ये तीन मुख्य इम्पोर्टेंट है, और बाकी रशिया में बैंक ऑफ रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इनका अलग नाम है। हर बैंक के सेंट्रल, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अपना अगला वीडियो लेसन होगा मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से बैंक कोई भी एग्जाम होते, क्लर्क हो चाहे PO हो चाहे RRB हो, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भी मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन रहता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, डिफ्लेशन हो रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कब बैंक रेट घटाएंगे, कब बैंक रेट बढ़ाएंगे, ये सारे लॉजिकल क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से बनते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप अपना सजेशन दीजिए कि इसमें स्टडी मटेरियल में कोई कमी है या फिर इसको और इम्प्रूव करना है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, ये सब जानकारी आप नीचे कमेंट